और चलिए आगे बात करेंगे राम मंदिर से जुड़ी हुई, क्योंकि राम मंदिर के निर्माण को लेकर के सवाल उठने लगे। गर्भगृह में पानी टपकने लगा था, इस तरह का जिक्र किया गया था वहां की पुजारी की तरफ से, लेकिन अब सफाई देते हुए नजर आए हैं वहां के राम भक्त। देखिए, जो भी श्रद्धालु वहां पर पहुंचे दर्शन करने के लिए, उनकी तरफ से क्या बातें कही गई वो तो आपको बताएंगे, लेकिन रिपब्लिक भारत की टीम ने रियलिटी चेक किया है और इस रियलिटी चेक में क्या बातें निकल कर सामने आई, सब कुछ आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। बहुत साफ सफाई और सूखा हुआ पूरा था वहाँ, सुंदर सफाई है। संगमरमर पर पैर रखो आप तो ऐसा लगता है अभी लगा हुआ है। हम लोग बिल्कुल ध्यान से देखे हैं कहीं अंदर से पानी टपक नहीं रहा। अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो चुकी है। पहली बारिश पड़ते ही राम मंदिर की छत से बारिश का पानी टपकने लगा, ये दावा किया रामलला के मुख्य पुजारी ने, जिसके बाद से चर्चाओं और सियासत का बाजार गर्म है और कैसे विपक्ष ने इस मामले को तुरंत लपक लिया बताएंगे, लेकिन उससे पहले आचार्य सत्येंद्र दास ने जो दावा किया उसे सुनिए। पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण से पानी चू रहा है। निकलने का जगह नहीं है और काल तक पानी ऊपर से चूता भी है, नहीं तो वर्षा जब शुरू होगी तो वहाँ पूजा अर्चना और कालता दर्शन और सब बंद हो जाएगी। मुख्य पुजारी के दिए गए इस बयान के बाद वो नेता जो पूरे चुनाव में राम का नाम लेने से घबराते रहे, अब उनकी सियासत का आधार ही राम हो चुका है। पानी टपका या नहीं टपका, लेकिन इन नेताओं ने बड़ी फुर्ती दिखाते हुए इस मामले को जरूर लपक लिया। कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने अयोध्या को करप्शन का अड्डा बना दिया। बरसात के पानी ने अयोध्या पर सियासत करने का विपक्ष को एक और मौका दे दिया, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए मंदिर समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने इस मामले पर हो रही सियासत पर पूर्ण विराम लगाते हुए सच क्या है इसे शीशे की तरह साफ कर दिया। गुरु मंडप की जो छत है, गुंबज है, वो तो अभी पूर्ण हुई नहीं है, तो जो द्वितीय तल पे पूर्ण होगी उसके बाद ही वहाँ का पानी जो है वो रुक गया, तो लोगों ने उसके प्रति एक भ्रम पैदा किया कि वहाँ से जो पानी आया, अपनी आँखों से देखा कि जो बिजली की लाइनें खींचती हैं ना, पाइप जिसमें से तार डालते हैं, तो प्रथम तल पे तार डालना है, तार डालने के लिए जो वो पाइप है वो खुला हुआ था, चूँकि पानी था वहाँ पर तो वो पाइप से नीचे सीपेज में चला गया। किसी प्रकार से निर्माण में कोई भी कमी नहीं है। रिपब्लिक भारत ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर मामले के तह तक जाने की कोशिश की। आर भारत के संवाददाता वैभव ने उन तमाम भक्तों से जानने की कोशिश की जो राम मंदिर के भीतर दर्शन करके बाहर लौटे, लेकिन लोगों ने साफ इनकार किया कि उन्होंने मंदिर के भीतर या फिर गर्भगृह में किसी भी तरह के पानी का रिसाव नहीं देखा। लोगों ने रिपब्लिक से बात करते हुए साफ कहा कि राम विरोधियों की साजिश है जो फर्जी अफवाह फैला रहे हैं। एक बात जो कही जा रही थी कि जन्मभूमि के गर्भगृह में जो है वो पानी टपक रहा है, आपको ऐसा कुछ दिखा वहाँ पर? ऐसा कुछ नहीं दिखा, बहुत साफ सफाई और सूखा हुआ पूरा था वहाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं दिखा हमको, और अमदाद से बढ़िया आराम से दर्शन कर कम से कम डेढ़ दो मिनट में रुक गए, लेकिन हमें ऐसा नहीं दिखा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा, हमने भी दर्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। जब हमने दर्शन किए हैं तो ऐसा कुछ भी हमें महसूस नहीं हुआ कि कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है। अभी जो परिस्थिति हमने देखी यहाँ तक कोई टपकता हुआ पानी दिखा नहीं। नहीं नहीं, ऐसा हम लोग बिल्कुल ध्यान से देखे हैं कहीं अंदर से पानी टपक नहीं रहा। नहीं, बारिश हुई है, जहाँ जहाँ वर्क हो रहा है उसके थ्रू बारिश आई हो, लेकिन गर्भ में पानी नहीं आई है। राम मंदिर जब से बना है तब से ही सियासत का केंद्र बनता जा रहा है, सब अपने अपने मुताबिक उस पर बयानबाजी करते हैं, मगर अब एजेंडा अयोध्या के विकास में कमी निकालने का है। इसीलिए तो राम पथ पर गड्ढे और टूटी सड़कों के दावे करके ट्वीट और फोटोज पोस्ट की जा रही हैं। तो रिपब्लिक भारत ने रियलिटी चेक किया और हकीकत क्या है आपको दिखाते हैं। बारिश के बाद अब यहाँ पर रामपथ पर सड़कों की स्थितियां और हालात क्या हैं आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पहली बारिश के बाद का हाल है इस रामपथ का, जिसका निर्माण हुए अभी एक साल भी नहीं हुए हैं, उसके बाद भी इस सड़क पर पूरी तरह से जो है वो गड्ढा हो गया, और अब आप देख सकते हैं जेसीबी के जरिए इस गड्ढे को आनन फानन में पाटने की कोशिश की जा रही है। इन तस्वीरों के बीच अब तमाम सवाल रामपथ के निर्माण को लेकर खड़े हो रहे हैं कि आखिर पहली
बरसात जब रामपत नहीं झेल पाया, तो आप अंदाजा लगाइए जब आने वाले वक्त में मानसून यहाँ पर दस्तक देगा तो स्थितियाँ क्या कुछ होंगी। अयोध्या में प्रशासनिक लापरवाही के खूब आरोप लग रहे हैं। बीजेपी की उस सीट से हार हुई तो मुद्दा बड़ा होने लगा, तो वहीं दूसरी ओर राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने भी ट्वीट करते हुए साफ कहा कि जहां रामलला विराजमान हैं वहां एक बूंद भी पानी नहीं टपका, न ही कहीं से पानी का प्रवेश हुआ। इस मामले में बाल की खाल निकाली जा रही है, क्योंकि हाल ही में कई विपक्षी नेताओं ने दावा कर दिया कि रेलवे स्टेशन की दीवार टूट गई, मगर पीटीआई के फैक्ट चेक में वो दावा झूठा निकला। हमारी बाई तरफ आप देखिएगा, इस रेलवे स्टेशन की जो बाउंड्री वॉल थी, इस बाउंड्री वॉल को गिरे हुए तकरीबन दो दिन हो चुके हैं। दरअसल अयोध्या में जो देर रात भारी बारिश हुई थी, उस भारी बारिश के बीच जो इस रेलवे स्टेशन की बाउंड्री वॉल है, उस बाउंड्री वॉल की मिट्टी कटी और ये पूरी बाउंड्री वॉल जो है वो यहाँ पर आपको गिरी हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस बाउंड्री वॉल का जो मलबा है, उस मलबे को हटाए जाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, ताकि जल्द से एक बार फिर से इस बाउंड्री वॉल का जो है वो निर्माण किया जा सके। जो खामियां आई है प्रशासन उसे दुरुस्त करने में जुटा है, लेकिन विपक्ष इस मामले में कुछ और ही रूप देखने की कोशिश कर रहा है। सवाल ये कि अचानक से विपक्ष को अयोध्या की विकास की चिंता कैसे सताने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।